नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो आज गाजियाबाद के स्वर्ण जयंती पार्क से आपको देश दुनिया की हर ब्रेकिंग न्यूज और साथ ही देश में मौसम का क्या है हाल सब कुछ बताएंगे। तो न सिर्फ फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन बल्कि फ्रेश एंड फास्ट में आगे आपको बताएंगे हर वो खबर जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो बने रहिए हमारे साथ। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। देखिए, असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा ने मुस्लिम विवाह कानून और तलाक रजिस्ट्रेशन अधिनियम को रद्द कर दिया है। असम कैबिनेट ने कल असम रीपीलिंग बिल को मंजूरी दे दी है। जी हां, विधानसभा के मानसून सत्र में नया विधेयक लाया जाएगा जिसके जरिए नया कानून बनेगा। सीएम हिमंत बिस्व शर्मा ने खुद सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है। सीएम हिमंत ने कहा है कि मुस्लिमों के विवाह पंजीकरण के लिए भी एक नया कानून लाया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब विधानसभा के मानसून सत्र में ये नया विधेयक लाया जाएगा जिसके जरिए नया कानून बनेगा। इसकी जानकारी खुद उन्होंने सोशल मीडिया पर दी है। मुस्लिमों के विवाह पंजीकरण के लिए भी एक नया कानून लाया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, इस कानून को रद्द करने का मकसद बाल विवाह के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा उपाय हो सके और बेटी और बहनों के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके। असम मुस्लिम मैरिज एक्ट में साइल मैरिज को इजाजत देता था, तो हमने ये स्क्रैप करके ऑर्डिनेंस लाए थे। अभी ऑर्डिनेंस को हम बिल बनाऊंगा और नया एक कानून आएगा जिस कानून का आधार में मुस्लिम रजिस्ट्रेशन अभी सरकार का घर में होगा और जो कानूनन जो एज बार है 18 और 21 उसी हिसाब में उसका रजिस्ट्रेशन होगा। सो पुराना कानून भी रद्द होगा और नया कानून बनेगा मुस्लिम रजिस्ट्रेशन का ऊपर। इस एक्ट में जो एक्ट के तहत मुसलमान लोग जो शादी ब्याह हुआ करते थे वो इंडिया के संविधान के खिलाफ भी नहीं है। जब संविधान के दायरे में रह के ये काम चला रहा है उसको बातिल करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो अगर खामखा आसाम की सीएम को मुसलमान को टारगेट करना है तो हम उसके खिलाफ करते हैं, हम उसको विरोध करते हैं। आप इस तरह की हरकत ना करें, मुसलमान को हमेशा टारगेट ना बनाएं। अब मुसलमान शादी ब्याह कैसे करेगा वो भी आपको पूछ के थोड़ा ही करेगा। मुसलमान की बच्चियाँ लड़कियाँ कैसे कपड़े पहनेगी वो भी असम की सीएम साहब को पूछ के थोड़ा ही पहनेगी। हम मुसलमान के घर में किचन में क्या पकेगा वो भी आपको पूछ के बनाना पड़ेगा। और बात करते हैं कांवड़ यात्रा की, जो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है लेकिन इसको लेकर के मुजफ्फरनगर में अभी से विवाद और बवाल शुरू हो गया। दरअसल दुकान और दुकान मालिक के नाम बताने वाले आदेश को लेकर के यहाँ पर जमकर हंगामा हुआ। और देखिए, दरअसल जो ये आदेश दिया गया उसका मकसद ये है कि कांवड़ियों को ये साफ पता रहे कि दुकान किसकी है ताकि वो क्या खाएं क्या खरीदे इसका उन्हें पता रहे, यानी कि पारदर्शिता रहे। लेकिन विपक्ष इस पर जमकर सियासत कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। यूपी में कांवड़ यात्रा पर बवाल, होटल ढाबों और दुकानों पर नाम, अखिलेश और भाईजान को क्यों ऐतराज, नमाजियों से प्यार कांवड़ियों से नफरत। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही विवाद शुरू हो गया है। दुकान और दुकान मालिक के नाम बताने वाले आदेश पर विवाद छिड़ गया है। हरिद्वार से गंगा जल भरने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में कांवड़िए जाते हैं। इसी को देखते हुए मुजफ्फरनगर पुलिस ने खाने पीने की दुकानों के लिए एक आदेश जारी किया है जिसमें दुकान के बाहर मालिक और कर्मचारी का नाम लिखने को कहा गया है, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस फैसले का विरोध करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, जिसका नाम गुड्डू मुन्ना छोटू या फत्ते है उसके नाम से क्या पता चलेगा। उन्होंने आगे लिखा कि कोर्ट को इस फैसले पर खुद संज्ञान लेना चाहिए। वहीं AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी इस आदेश के खिलाफ भड़क गए हैं। उन्होंने तो सीएम योगी की तुलना हिटलर से कर दी है। ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नाट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक एक यात्रा का इतना उनको आप इम्पोर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे? आप क्या एक ही समुदाय के लिए कि उसके लिए काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया फिर? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहाँ चलेगा? कौन से कचरे के बिन में चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन?
जब भी सनातन की बात आती है तो कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं होती है। चाहे अखिलेश हो या ओवैसी, तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले तथा कथित राजनेताओं के पेट में दर्द होने लगता है और वो उसको राजनीतिक रंग देने शुरू कर देते हैं। ये पूर्व में जैसा कि देखा गया है कि कई बार विवाद की स्थिति पैदा होती है, जो भी कांवड़ रोड पे होटल है, ढाबे हैं, यहाँ पर रेट लिस्ट नहीं लगी होती है। साथ ही जिसका ढाबा है, होटल है, कई बार ये समस्या उत्पन्न हुई कि नॉनवेज वहाँ पे मिल रहा है, जिसको लेके कांवड़ यात्रा करने वाले लोगों को आपत्तियाँ रहती हैं। इन सभी के संबंध में एक समग्र निर्णय लिया गया था और इसमें सभी से वार्ता की गई। जो भी होटल है, ढाबे हैं, ऐसी खाने पीने की चीज़ें हैं, उनको बताया गया है कि एक तो उसका प्रोपराइटर कौन है, मालिक कौन है, उसका नाम और कार्य करने वाले लोगों का नाम और पहचान वहाँ पर इंगित हो। इसके साथ ही साथ वो रेट लिस्ट लगाए ताकि ऐसी भी कोई समस्या पैदा ना हो कि ओवर रेटिंग को लेकर कहीं मारपीट या विवाद की स्थिति पैदा होती है। इस संबंध में रेंज के तीनों जनपदों में जो भी कांवड़ मार्ग है, सभी से मीटिंग कर ली गई है, सभी को बताया गया, सभी लोग इसके लिए सहमत हैं और इस संबंध में जितने भी होटल हैं, ढाबे हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो सबकी मीटिंग में भी ये क्लियर कर दिया गया और इसमें कार्रवाई की जा रही है। आखिर मुजफ्फरनगर प्रशासन ने कौन से निर्देश जारी किए थे जिसके बाद यूपी से लेकर दिल्ली तक सियासी भूचाल आ गया? कांवड़ यात्रा को लेकर नया नियम जारी। मुजफ्फरनगर पुलिस ने जारी किया आदेश, होटल, ढाबों और दुकानों पर नेम प्लेट लगाना होगा। रेहड़ी लगाने वालों को भी नाम लिखना होगा ताकि कांवड़ियों को कोई गलत फहमी न हो। गलत नाम पर लिखने पर कार्रवाई होगी। हिंदू समाज के लोगों का कहना है कि मुजफ्फरनगर में नाम का बड़े पैमाने पर स्कैम चल रहा है। ढाबे का नाम तो हिंदू के नाम पर है लेकिन इसका मालिक मुस्लिम है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये शिवा ढाबा है ये, और अमरोहा मेन रोड पर ये ढाबा है और इसी तरीके से आगे भी तमाम ढाबे हैं। इसको अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको नजर आएगा शुद्ध शाकाहारी 24 घंटे भोजन जो है वो यहाँ पर मिलता है और गुरु नानक देव जी की फोटो भी लगी है बकायदा अंदर। एक बार देखेंगे, एक बार मैं विजय से कहूँगा अंदर दिखाइए, ओम भी लिखा हुआ है अंदर, आप देखेंगे बोर्ड के ऊपर तो ओम भी बकायदा लिखा हुआ है। और इस तरीके से जो ढाबा है वो तो शिवा है, नाम शिव के ऊपर है, ओम भी बकायदा लिखा हुआ है, गुरु नानक देव जी की फोटो लगी हुई है, लेकिन अंदर जो काम कर रहे हैं, अंदर जो मालिक हैं इसके, वो हैं फहीम। तो आप समझिए किस तरीके से ये पूरा का पूरा स्कैम चल रहा है, किस तरीके से नाम बदलने का खेल चल रहा है। और बता रहे हैं कि अभी देखे नहीं है, जब प्रशासन कहेगा तो फिर इसको बंद करेंगे। मुजफ्फरनगर पुलिस के इस आदेश के बाद असर भी दिखने लगा। कई जगहों पर फलों का ठेला लगाने वाले अब अपने ठेलों पर अपने अपने नाम के पोस्टर भी लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि होटल, ढाबे और फल विक्रेता इस आदेश का खुशी खुशी पालन कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष को बस मुद्दा चाहिए कि कैसे समाज में नफरत फैलाकर राजनीतिक रोटियां सेंकें। आपका चलिए बात करते हैं मौसम के मिजाज की। तो आधे हिंदुस्तान पर आसमान फाड़ तबाही का दौर जारी है, नॉर्थ टू साउथ नॉनस्टॉप तबाही मची हुई है। तस्वीरें ऐसी हैं कि जल तांडव को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जहां कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कहां पर मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा मौसम खराब हो सकता है। देश भर के अलग अलग हिस्सों से भारी बारिश के बाद उफनती नदियों का तांडव देखने को मिल रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक जल प्रलय आया हुआ है। गुजरात में मॉनसून पूरी तरह से एक्टिव है। कई जिलों से जल प्रलय की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सौराष्ट्र का हाल देख लीजिए, पूरा बाजार दरिया में तब्दील हो गया है। हर तरफ घुटनों तक पानी भरा है। रोजमर्रा के सामान लेने के लिए भी लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानों में पानी घुस चुका है। लोग दो पहिया वाहनों से इसी सैलाब के बीच निकलने को मजबूर हैं। इलाके की तस्वीरें भी देखिए। मंदिर में भी पानी की घुसपैठ हो चुकी है। मंदिर में जल भराव इस कदर है कि भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग तक बाढ़ का पानी लग चुका है। शिवलिंग तक बारिश और बाढ़ के पानी पहुंचने के बावजूद मंदिर में पूजा पाठ किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सौराष्ट्र के इन हिस्सों में पिछले दो दिनों में 6 इंच तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिनों भी सौराष्ट्र के हिस्सों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के जूनागढ़ जिले से आई डराने वाली बारिश की ये तस्वीरें भी देखिए। बेहिसाब बारिश हो रही है। अंडरपास में कमर तक पानी भरा है। इसी बीच एक कार अंडरपास में आए सैलाब में फंसी नजर आ रही है। ड्राइवर ने पानी की गहराई को देख गाड़ी को वहीं छोड़ दिया। शहर के कई हिस्सों में पानी इस कदर भर चुका है कि रफ्तार पर ब्रेक लग गया है।
एमपी के छतरपुर में झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन कई इलाकों में जल भराव के चलते लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर पानी भर जाने के कारण लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश की वजह से तमाम नदियां उफान पर हैं। चेतावनी के मद्देनजर कुल 16 जिलों में अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम विभाग ने 2 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है, जिनमें बैतूल और आगरमाला जिले को ऑरेंज अलर्ट पर इसलिए रखा है क्योंकि यहां भारी बारिश होने वाली है। वहीं मालवा के ज्यादातर जिलों के साथ महाराष्ट्र सीमा से सटे छिंदवाड़ा बालाघाट में लगातार बारिश होते रहने की चेतावनी दी है। इसके अलावा मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में बिजली गिरने की आशंका जाहिर की है। 2 दिन पहले अचानक आई बारिश में महाराष्ट्र के नासिक के अजनारी वाटरफॉल में पर्यटक बुरी तरह फंस गए थे। पानी का स्तर अचानक से बढ़ा और लोग इस वाटरफॉल में फंस गए। वो तो गनीमत रही कि इन सभी लोगों को बचा लिया गया, लेकिन बारिश के मौसम में इस तरह के टूरिस्ट प्लेस में जाने से लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे हादसे सामने आ चुके हैं जिसमें पूरा का पूरा परिवार पानी के तेज बहाव में अपनी जान गंवा बैठा। महाराष्ट्र में मुंबई समेत महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्सों के लिए मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश की तो कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे गांव हैं जो कि पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं क्योंकि वहां पर पानी भर चुका है। केरल से लेकर उत्तर प्रदेश तक हालात जस के तस बने हुए हैं, लेकिन किन इलाकों में सबसे ज्यादा हाल बेहाल हो चले हैं, देखिए रिपोर्ट में। बाढ़ के कहर से इंसान ही नहीं जानवर भी जूझ रहे हैं। सरयू नदी की तूफानी लहर में 2 गाय किस तरह से फंस गई उसकी तस्वीरें देखिए। सरयू के पानी का बहाव इतना तेज है कि दोनों गायें काफी दूर से बहती चली आ रही थीं। वो तो शुक्र है कि स्थानीय मल्लाह और जल पुलिस की मदद से इन दोनों गायों का रेस्क्यू किया गया। सरयू के पानी में बहती इन दोनों गायों के रेस्क्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये अयोध्या के थाना कैंट में आने वाले गुप्तार घाट का वीडियो है। वाराणसी में लगातार बारिश से गंगा नदी का जलस्तर बढ़कर घाटों तक पहुंच गया है। घाट के किनारे बने कई मंदिर बाढ़ के पानी में डूबे दिखाई दिए। लोगों को घाटों के पास न जाने की चेतावनी भी दी गई है। गंगा आरती भी काफी ऊंचाई से की जाती है। एहतियातन गंगा में छोटी नाव के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। बता दें कि हर साल गंगा नदी का पानी बढ़ने के बाद घाटों का यही हाल होता है, कई मंदिर पानी में डूब जाते हैं। केदारनाथ हाईवे के सौड़ी में अलकनंदा नदी भारी मात्रा में मलबा लेकर आई है। पहाड़ों से उतरती अलकनंदा कब अपना रौद्र रूप दिखा देगी, इसका अंदेशा किसी को नहीं होता। मलबे की वजह अलकनंदा का वेग तो नियंत्रित है, लेकिन राजमार्ग बंद हो चुके हैं। देर रात भारी बारिश की वजह से ये सड़क बंद हो गई थी, जिसकी वजह से सैकड़ों वाहन फंस गए थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग पैदल ही दूरी नाप रहे हैं। बारिश और बाढ़ के कहर की ये तस्वीरें उत्तर कर्नाटक के अंकोला की हैं, जहां भीषण बाढ़ की वजह से भूस्खलन हुआ है। दर्जन भर से ज्यादा लोगों की जान नदी के उफान में फंस गई। दरअसल यहां NH-66 पर बड़ा भूस्खलन हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और तकरीबन 7 लोग लापता हैं। मुश्किल ये है कि NH से सटी हुई नदी का उफान बड़ी परेशानी बना हुआ है। ये नदी सीधे समुद्र में जाकर मिल रही है, जिससे लापता लोगों को खोजना भी यहां मौजूद रेस्क्यू टीम के लिए मुश्किल बना हुआ है। वायनाड और कन्नूर जिले में भारी बारिश के कारण जल जमाव के हालात पैदा हो गए हैं। IMD ने दोनों जिलों में दिन के बाकी समय के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। निचले इलाकों में लैंडस्लाइड और जल भराव की खबर है। एक प्रवासी परिवार को उनके घर की छत से JCB की मदद से बचाया गया, तो कहीं सड़क पर बड़े बड़े पेड़ गिरे दिखाई दिए। पानी में एक बस भी फंसी दिखाई दी। बात तेलंगाना की करें तो यहाँ पर भी कई इलाकों में लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, और जो तस्वीरें वहाँ से आ रही हैं वो बहुत ही खौफनाक है। जी आपको दिखाते हैं तेलंगाना के कौन से गांव में हालात सबसे ज्यादा खतरनाक बने हुए हैं इस रिपोर्ट में। लहरों के बीच खतरों का खेल, चौंकिए मत, ये कोई हॉलीवुड मूवी का सीन नहीं है।
दरअसल पेड्डा बग्गो मध्यम सिंचाई परियोजना से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के कारण जलस्तर अचानक बढ़ जाने से ग्रामीण नदी में फंस गए, जिसके बाद लोगों में चीख पुकार मच गई। नदी में फंसे लोग मदद की गुहार लगाने लगे। पानी की धार और रफ्तार को देखिए, यहाँ तो पानी बुलेट की रफ्तार से बह रहा है, तो वहीं पानी के कातिल लहरों के बीच जिंदगी की जद्दोजहद चल रही है। घटना की खबर मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई, लेकिन पानी का बहाव ज्यादा होने के चलते बचाव टीम के हाथ पांव फूलने लगे, जिसके बाद राज्य सरकार की ओर से मदद के लिए 2 हेलीकॉप्टर भेजे गए। मौसम बेहद खराब है, आसमान से कयामत भरी बारिश हो रही है। इन सब के बीच कुदरत और इंसानों के बीच जोरदार टक्कर हो रही है। इस लड़ाई में जीत किसकी होगी, कुछ सेकंड बाद इसका पता चलेगा, लेकिन पहले देखिए कैसे पानी फौलादी ताकत से इंसान को पीछे डुबोने की कोशिश कर रहा है। पानी के पहाड़ तोड़ प्रहार को देखकर लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। देखिए कैसे पानी और मलबा अचानक तेजी से नीचे आने लगे, जिसके बाद मौके पर लोगों में भगदड़ मच गई। रेस्क्यू टीम और तूफानी सैलाब के बीच घंटों तक जंग चली और आखिरकार जीत रेस्क्यू टीम की हुई। नदी में फंसे सभी 51 लोगों को एक एक कर बचा लिया गया। हालांकि कई लोगों के अब भी लापता होने की खबर है, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम ढूंढने की कोशिश कर रही है। तो वहीं जिला के आला अधिकारी लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उज्जैन से आपको बवाल की तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल मोहर्रम के जुलूस को लेकर के ये बवाल हुआ, लेकिन हंगामा और बवाल वहां पर इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुलिस कर्मी भी उसका शिकार हो गए। और महाकाल की नगरी में मोहर्रम के जुलूस के दौरान ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, देखिए तस्वीरें आप भी। सड़कों पर भारी भीड़ है, भारी पुलिस बल तैनात है, फिर भी हंगामा बवाल जारी है, भागम भाग है। जुलूस के बीच अफरा तफरी का माहौल है। हालात बिगड़ता देख पुलिस भी लाठियां भांजनी शुरू कर देती है, भीड़ को तितर बितर करती है। भयंकर बवाल और हंगामे की तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर की हैं, जहां मुहर्रम जुलूस में प्रतीकात्मक झांकी को कंधे पर लेकर चल रहे लोग इसके नीचे दब गए। झांकी एक तरफ झुकी, तभी पीछे से दौड़ी चली आ रही भीड़ एक दूसरे पर गिरी, 3 पुलिसकर्मी भी दब गए। जुलूस में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए थे। कमरी मार्ग से गीता कॉलोनी के लिए जा रहा जुलूस जब खजूर वाली मस्जिद के पास पहुंचा, तब अफरा तफरी मच गई। पुलिस नीचे दबे लोगों को निकालने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान पीछे की भीड़ लगातार आगे बढ़ रही थी। ऐसे में पुलिस के 3 जवान रोड किनारे रखे बैरिकेड पर जा गिरे। हालात संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, भीड़ को जबरन हटाना पड़ा, तब कहीं जाकर दबे हुए लोगों को सुरक्षित निकाला जा सका। अब बात गुजरात के वडोदरा से करते हैं, जहां पर एक महिला न सिर्फ फुल नशे में धुत थी बल्कि सड़क पर उसने जमकर ड्रामा भी किया। जहां पहले तो इस महिला ने टक्कर मारी और उसके बाद पुलिस को चकमा देकर महिला वहां से फरार भी हो जाती है, देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट। सड़क पर लाल गाड़ी में दिख रही इस महिला का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पहले इन 3 तस्वीरों को देखिए। गुजरात के वडोदरा की सड़कों पर नशे की हालत में इस महिला ने सड़क पर ट्रैफिक जाम तो किया ही, बल्कि पब्लिक से लेकर ट्रैफिक पुलिस तक की परेशानी बढ़ा दी। महिला ने पुलिस की नाक में दम किस कदर किया देखिए। उसने नशे की हालत में शहर की सड़कों पर तेज रफ्तार कार चलाई, उसके बाद गाड़ी के आमने सामने और रास्ते में आने वाले हर वाहन को टक्कर मारी। हद तो तब हो गई जब पुलिस ने लोगों की शिकायत के बाद महिला को गाड़ी से बाहर आने को कहा, तो वो ड्राइविंग सीट पर ही सिगरेट पीने लगी। उसके बाद मौके पर मौजूद महिला पुलिसकर्मियों ने जब महिला को कार से बाहर आने को कहा, तो उसने कार के सभी शीशे बंद कर गाड़ी में खुद को लॉक कर लिया। नशे में महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा बस यहीं नहीं थमा। ट्रैफिक पुलिस और मौके पर मौजूद लोगों के बार बार कहने पर भी महिला बाहर नहीं निकली। उसने फिर से एक बार फिर तेज रफ्तार में गाड़ी भगा दी। गाड़ी भगाते हुए महिला ने खुद को बचाने के लिए एक नाली में गाड़ी घुसा दी, जहां पहले से ट्रैफिक मौजूद था, जिसके बाद गली में सामने से आ रही एक पीली कार के आगे गाड़ी लगाकर खड़ी हो गई। महिला ने पीली गाड़ी वाले शख्स को रास्ता नहीं दिया। जब उस शख्स ने गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो उसने कार में टक्कर मारकर आगे बढ़ने के इशारे किए। महिला का ड्रामा यहां भी काफी देर तक भीड़ देखती रही। लोगों ने उसे समझाने की कोशिश भी की, लेकिन महिला इतने नशे में थी कि उसने किसी की एक नहीं सुनी।
बल्कि काफी देर तक इसी गली में गाड़ी खड़ी कर वो लाउड म्यूजिक बजाकर गाड़ी में बैठकर डांस करती रही, सिगरेट पीती रही, इलाके में लोगों और पुलिस की परेशानी बढ़ाती रही। हालांकि घंटों तक चले हंगामे और ड्रामे के बाद वो अहमदाबाद पासिंग के पास जाकर फरार हो गई। लेकिन महिला का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर देखना ये होगा कि अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है और नियमों का मखौल उड़ाने वाली इस लड़की को कब गिरफ्तार करती है। अगली खबर मुंबई के बोरीवली से आपको बताते हैं, जहां पर कुछ दिन पहले ही विठल मंदिर में चोरी हुई थी। अब पुलिस की टीम ने वहां पर सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो चोर तक पहुंच गई ये टीम। तो इस चोर को तो पकड़ लिया गया है, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अपनी टीवी स्क्रीन पर चल रही इस वीडियो को देखिए। मंदिर में एक युवक बैग लेकर घुसता है, वो बैग की चेन खोलता है और फिर हाथ जोड़कर भगवान की पूजा करने लगता है। वो पूजा करते वक्त भी चारों तरफ नजर घुमाता है। इसी दौरान उसकी नजर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है। वो इधर उधर देखता है और फिर तेजी से भगवान के सिर पर सजा रत्न जड़ित चांदी का मुकुट लेकर फरार हो जाता है। जिस मंदिर में इस शख्स ने चोरी की वो मुंबई के बोरीवली इलाके में स्थित विट्ठल मंदिर है। अब वीडियो सामने आने पर पुलिस ने चोर को भी गिरफ्तार कर लिया है। घटना 10 जुलाई की है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि 10 जुलाई की शाम आरोपी मंदिर में घुसा, उसने मंदिर में पूजा पाठ की, उसने चोरी के लिए ईश्वर से माफी मांगी। इसके बाद उसने भगवान विट्ठल और देवी रखुमाई की मूर्तियों से धातु के मुकुट सहित अन्य कीमती सामान चुरा लिए। मुंबई पुलिस की माने तो मंदिर से निकलते वक्त पास के एक दुकानदार ने चोरी की घटना देखी। उसने कस्तूरबा मार्ग पुलिस थाने को चोरी की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने मंदिर के सीसीटीवी खंगाले और आरोपी को पकड़ने के लिए जांच शुरू कर दी। चोरी किए गए मुकुट का वजन 40 ग्राम है, जिसे पुलिस ने आरोपी चोर के पास से बरामद कर लिया है। और चलिए आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राजस्थान के बीकानेर में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहां तेज रफ्तार कार की ट्रेलर से जोरदार टक्कर हुई और सभी जो 6 लोग कार सवार थे उनकी दर्दनाक मौत हो गई है। तो खबर राजस्थान से आपको बता रहे हैं, जहां पर बीकानेर में बड़ा सड़क हादसा हुआ। इस सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा महाजन स्थित जयपुर टोल के पास हुआ है। हादसे में मारे गए सभी 6 लोग राजस्थान के हनुमानगढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं और ये सभी लोग हरियाणा नंबर की कार में सवार होकर बीकानेर की तरफ जा रहे थे। और यह हादसा इतना भयंकर था कि कार के आगे से पूरी की पूरी डैमेज हो चुकी है, पूरी चकनाचूर हो चुकी है। बात कांग्रेस सांसद जयराम रमेश की करते हैं, जिन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के भगवान वाले बयान को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ऐसा क्या बयान दिया जिसको लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई है, देखिए रिपोर्ट आप। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोल रहे थे झारखंड के गुमला में, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस के नेता बिना नाम लिए पीएम मोदी पर तंज कस रहे थे। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ऐसा क्या कुछ बोल दिया कि कांग्रेस पार्टी की बांछें खिल गई। दरअसल मोहन भागवत ने कहा है कि आत्मविकास के लिए एक व्यक्ति सुपरमैन फिर देवता और भगवान बनना चाहता है और विश्व रूप की आकांक्षा रखता है, लेकिन कोई भी जानता है कि आगे क्या है। वहां जाने के बाद उसको लगता है, लेकिन मनुष्य से कोई होते अति मानव, सुपरमैन कहते सुपरमैन फिल्में वगैरह निकलती उसमें दिखाते कि अलौकिक शक्तियां जिनके पास होती, तो फिर मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, अति मानव बनना चाहता है, लेकिन वहां रुकता नहीं, उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, तो देवता बनना चाहता है, लेकिन देवता कहते कि हमसे तो भगवान बड़ा है, वो भगवान बनना चाहता है। मोहन भागवत के इस बयान को कांग्रेस पार्टी ने हाथों हाथ लोक लिया। कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगा कि मोहन भागवत ने अपने बयानों का ये तीर पीएम मोदी पर दागा है। फिर क्या था, जयराम रमेश फौरन एक्टिव हो गए और एक्स के जरिए पीएम मोदी पर हमला बोल दिया। जयराम रमेश ने लिखा कि मुझे यकीन है कि स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को इस ताज़ा अग्नि मिसाइल की खबर मिल गई होगी, जिसे नागपुर ने झारखंड से लोक कल्याण मार्च को निशाना बनाकर दागा है। दरअसल मोहन भागवत देश में समग्र और सतत विकास के मुद्दे पर बोल रहे थे कि कैसे पूरी दुनिया में भारत सर्वोच्च शिखर पर हो। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकास का कोई अंत नहीं होता है। भागवत ने कहा कि आगे बढ़ने का कोई अंत होता है,
इतना आगे इतना आगे इसका कोई छोर नहीं, जहां पूर्णता की डोर हो सीमाओं की डोर नहीं। जिसका कोई छोर नहीं, जहां पूर्णता ही मर्यादा हो सीमाओं की डोर नहीं। विकास एक ऐसी चीज है, यहां तक विकास करना सोच के विकास किया, वहां गए, वहां पहुंचने के बाद दिखता है कि इसके भी आगे है। लेकिन मोहन भागवत के सुपरमैन वाले बयान को कांग्रेस समेत कई लोग इसे पीएम मोदी के ईश्वरीय शक्ति वाले बयान से जोड़कर देख रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही बीजेपी की सरकार बनी, प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार पीएम बनकर इतिहास रचा, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में थोड़ी सी मायूसी थी, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और वहां उन बीजेपी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने जमीनी स्तर पर बहुत मेहनत की थी बूस्टर डोज दिया। जी हां, यहां पर बीजेपी दफ्तर में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे थे उनसे पीएम मोदी ने क्या मंत्र दिया है आप भी देखिए। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर पीएम मोदी ने इतिहास रच दिया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि चाय बेचने वाला एक व्यक्ति तीन तीन बार देश की सत्ता का बागडोर संभालेगा। शायद यही बात तो कांग्रेस को चुभती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। चुनाव कोई भी हो, वो चुनाव को चुनाव के नजरिए से देखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी जितना भरोसा अपने काम पर करते हैं तो कहीं उससे ज्यादा भरोसा अपने कार्यकर्ताओं और संगठन से जुड़े लोगों पर करते हैं, तभी तो वो जीत की 100% गारंटी भी देते हैं। पीएम मोदी एक बार नहीं बार बार कहते हैं कि पार्टी संगठन से बढ़कर कुछ भी नहीं है और पार्टी के लिए कार्य करने वाले कार्यकर्ता इसके केंद्र में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली स्थित बीजेपी के मुख्यालय पहुंचे, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी ऑफिस के वर्कर्स के साथ अपनी पुरानी यादें साझा की। कार्यकर्ताओं से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पार्टी के लिए कार्य करने वाले कार्यकर्ता केंद्र में हैं। मैं भी इसी दफ्तर में काम करता था, उस वक्त कम संसाधनों में काम करना पड़ता था। यहाँ काम करने वाले सभी कार्यकर्ता एक परिवार हैं। चुनाव के दौरान बिना छुट्टी के काम करने पर धन्यवाद। लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत हासिल कर केंद्र में सरकार बनने के बाद पार्टी के केंद्रीय कार्यालय के कर्मचारियों के साथ पीएम मोदी की ये पहली मुलाकात है। आपको बता दें कि 2019 के चुनाव में जीत के बाद भी पीएम मोदी बीजेपी दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारियों से मुलाकात की थी। इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएं, जिसमें लोकसभा चुनाव की उत्तर प्रदेश की 37 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद समाजवादी पार्टी की अब नजर महाराष्ट्र पर है। और बड़ी खबर यह है कि जीत से गदगद समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में अपनी सियासी ताकत दिखाने जा रही है। एसपी से सभी सांसद मुंबई पहुंच रहे हैं। इस दौरान बांद्रा में रैली का भी आयोजन किया गया है। महाराष्ट्र में देखिए इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। अखिलेश यादव समेत पार्टी के सभी सांसदों के स्वागत का जो कार्यक्रम तैयार किया गया है उसमें प्रतीकों और समीकरणों की छाप भी साफ नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि अखिलेश सबसे पहले मणि भवन जाएंगे, जहां महात्मा गांधी ने वक्त बिताया था। तो उसको लेकर के एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मिल रही है, जिसमें मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। और मोहन सरकार ने कहा है कि 50% जो राशि होगी वो पत्नी को, तो 50% राशि माता पिता को दी जाएगी। तो बड़ी खबर, पत्नी और माता पिता को बराबर राशि मिलेगी। एमपी की मोहन सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है। शरीक परिवारों को दी जाने वाली राशि से जुड़ी हुई ये अहम जानकारी। हमने तय किया है कि प्रदेश के किसी भी जवान के शहीद होने पर, क्योंकि आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि कई बार ये कष्ट घर में हमने देखा है, तो आपकी बार जो राशि दी जाएगी उस राशि में 50% पत्नी को और 50% राशि माता पिता को दी जाएगी। जो 1 करोड़ की राशि देने वाले हैं, इसका प्रबंध करके उस परिवार परंपरा को हमने अब इसमें सीमाओं में बांधने का प्रयास किया है। एक के बाद एक रेल हादसों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। और देखिए, गोंडा में डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस की 8 बोगियां पटरी से उतर गई, जिसमें कई यात्रियों की मौत हो गई। अब सवाल ये उठता है कि ट्रेन की टिकट्स आप देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, फ्लाइट के मुकाबले उतने ही आसपास कुछ मिलते जुलते हैं और सुरक्षा का हवाला दिया जाता है और इसीलिए रेट्स बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके जो पैसेंजर्स हैं, जो यात्री हैं, वो अभी भी सुरक्षित नहीं है। जी
गोंडा में हुए भयानक रेल हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 30 यात्री घायल हो गए। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेसवे के लोको पायलट का दावा है कि उसने एक धमाके की आवाज सुनी थी और तेज धमाके की आवाज सुनकर उसने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी, जिसके बाद ट्रेन के 8 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए। इस भयानक ट्रेन हादसे के बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गई। घायल पैसेंजर्स का गोंडा के अस्पताल में इलाज चल रहा है। अचानक से ट्रेन बबलिंग करने लगी पूरा, और वो पटरी से जब उतरी तो फिर बहुत सारा धूल और गिट्टी उट्टी सब उछल के लगने लगा, तो हम लोगों को पता चल गया मतलब कि पटरी से उतर गई है। उसके 15-20 सेकंड बाद जिस डिब्बे में मैं था वो डिब्बा पूरा पलट गया, और जब पलट गया डिब्बा तो अचानक से मेरे सिर पे चोट आई, थोड़ा सा ब्लैकआउट सा हुआ मेरे सामने और ट्रेन मुझे रुकी हुई मिली। फिर पूरा से हवा के झोंके की तरह से आया, जैसे विचलित हो गया, कैसे अब पता नहीं चला कि कैसे एक्सीडेंट हुआ है। आप किसके साथ सफर कर रहे थे? मैं अपने फैमिली के साथ सफर कर रहे थे। आपकी बेटी को काफी चोट आई है, क्या कुछ डॉक्टर्स ने अभी तक क्या कुछ बोला है? नहीं, डॉक्टर साहब जो ट्रीटमेंट किया है सुई भी लगाया है और क्या कहते हैं एक्सरे सब कुछ कराया है। बोला कि कल 2 दिन के अंदर में उसको फिर ट्रीटमेंट किया जाएगा, प्लास्टर करेंगे बढ़िया से। गोंडा ट्रेन हादसा कोई साजिश थी या तकनीकी खराबी, इसकी हर एंगल से जांच की जाएगी, लेकिन रेलवे के अधिकारियों को शक है कि ये कोई साधारण हादसा नहीं है। हादसे के पीछे बड़ी साजिश हो सकती है। धमाका किस वजह से हुआ है, धमाके में किस चीज का इस्तेमाल हुआ, हम सभी एंगल से जांच कर रहे हैं। रेलवे ने इस घटना के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सरकार पर निशाना साधा है और रेल मंत्री से फौरन इस्तीफे की मांग की है। वहीं इस ट्रेन हादसे को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला है। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि आखिरकार आम लोगों की सुरक्षा से जुड़े इन महत्वपूर्ण सवालों पर सरकार खामोश क्यों है? रेल दुर्घटनाओं को लेकर किसी की जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की जा रही है?